पानीपत शहर के इमाम साहिब मोहल्ला से चार दिन से लापता 28 साल के लकड़ी के मिस्त्री एवं मौलवी की यूपी ले जाकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला आरोपी 65 साल का उसका ही उर्दू उस्ताद एवं साथी मौलवी है, जिसने करीब 7.5 लाख रुपए के लालच में मृतक पर जींद की एक महिला से गलत काम करने के आरोप लगाकर हत्या कर दी। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब मृतक के फोन से उसके भाई के व्हाट्सएप पर शव की फोटो और मैसेज किए गए। शक के आधार पर पुलिस ने साथी मौलवी से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद पानीपत पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार की मौजूदगी में केराना में रेता वाला मोहल्ला के निर्माणाधीन मकान में दबे शव को बरामद किया। शव को पानीपत सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया। 31 तारीख को लापता हुए थे ये। हाँ जी। तो उसके बाद हम, जैसे हमें पता लगा 1 तारीख में इसकी फोटोज आई। उससे पहले तो हम फोन मिला रहे थे, इसका स्विच ऑफ जा रहा था। 11:30 बजे स्विच ऑफ हुआ था फोन। उसके बाद बंद ही जा रहा था फोन। अगले दिन 1 तारीख में इसकी फोटो आई थी उसी के नंबर से, व्हाट्सएप करी छोटे वाले नंबर से। थोड़ी डिटेल में बताओ। वसीम के नंबर से ही। अच्छा अच्छा जी। उसी के फोन से फोटो आई थी, और उसमें फोटो देख के हमने जब तुरंत पुलिस वाले के पास किशनपुरा चौकी में पहुंचे और कार्रवाई करवाई, मुकदमा दर्ज करवाया। वसीम हमारा भाई है जी। उसके नंबर से कैसे आई? उसके नंबर से जी, जो उसका साथी था उसने ही डाली। उसने डाली, क्या कुछ लिखा हुआ था उसमें? जिसमें कुछ वैसे वर्ड लिखे हुए थे कुछ, मतलब गुमराह करने के लिए। मतलब कुछ थोड़ा बता दीजिए। ये है कि ये लड़का जिंदगी के अंदर कुछ गलत काम करता हुआ पकड़ेगा, तो हमने जो पकड़ा था इसको मरते मरते हुए अपने भाई का नंबर दिया। 7,35,000 रुपए इसका भाई से वसूले जाएंगे। मारने की बात बोली थी कि हमने मार दिया इन्हें, मरने से पहले बोला है। मरते हुए इसने अपने भाई का नंबर दिया। किसने दिया नंबर? वसीम ने, मरने वाले ने। हाँ जी, मैसेज उस पर मैसेज पे लिखा हुआ था। तो किस पे आरोप लगा कह रहे हो, अब किसने मारा है? ये जी उसी का साथी था। कौन था? उसने ही मारा जी, सूफी दिल साद। उसको बरामद किया, पूछताछ की, तो किराने उसकी डेड बॉडी मिली हमें। कहाँ मिली जी डेड बॉडी? किराने रेता वाले महल्ले में, इसी के घर में मिली है। रेता वाला महल्ला है। तो कितने फुट नीचे दबा, कैसे दबा रखी? ये जी 2.5 फुट नीचे था जी, जमीन के अंदर। कोई लेना देना था उन्हें? नहीं जी, कुछ अभी से कोई खुलासा नहीं हुआ। कोई लड़ाई ना? कोई लड़ाई कुछ ऐसा कुछ खुलासा नहीं अभी पुलिस ने करा है, और पुलिस हमारे साथ अच्छे से काम कर रही है। आगे जैसे ये होगा। कैसे मारा इसको, कुछ बताया जी? इसके सिर में उसने बताया कि 2 फावले मारे थे, कस्सी मारी थी। तो वहाँ कैसे चला गया इसके साथ? ये जी इसी के साथ, इसको इसने ही बुलाया होगा फोन करके, ये तो हमें पक्का भी पता नहीं चला। अच्छा, बुलाया होगा जी। तो वहाँ ले जाके फिर? हाँ जी, इसकी लोकेशन निकलवाई इसकी, इसके फोन की, तो दोनों के फोन एक जगह लोकेशन एक जगह की आई थी, उसके आधार पर इसको पूछताछ की गई। इससे ये भाई क्या कुछ करते हैं? ये लकड़ियाँ काम करता था। लकड़ियाँ कितने तारीख को गायब हुआ था? 31 तारीख को सर। अच्छा, जिसके घर में दबाया था उसको क्या बोल के मतलब झांसा दिया इसने? उसको अभी कुछ कुछ खुलासा नहीं हुआ जी, अभी कुछ नहीं बताया जी। जानकारी देते हुए बताया गया कि वो इमाम साहिब मोहल्ला जाटल रोड का रहने वाला है। उसका छोटा भाई वसीम भी लकड़ी का काम करता था। 31 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे वो काम के लिए गया था, इसके बाद से वो लापता हो गया था। भाई ने बताया कि 1 जनवरी शाम 6:12 पर वसीम के नंबर से उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, जिसमें वसीम के शव की फोटो थी। उस मैसेज पर लिखा था कि हम जींद से बोल रहे हैं, तुम्हारे भाई ने हमारी लड़की के साथ गलत काम किया था, इसलिए हमने उसे मार दिया है। वसीम ने लड़की से 7,35,000 रुपए भी ले लिए थे। मरते हुए वसीम ने अपने भाई का नंबर दिया है, अब ये रुपए उसके भाई से वसूले जाएंगे। आरोपी दिलशाद यूपी के कांधला का रहने वाला है। उसकी करीब 7 साल से वसीम के साथ जान पहचान है। इसी पहचान के चलते दिलशाद अक्सर वसीम के घर भी जाता था। यहाँ आने के दौरान दिलशाद की वसीम की किसी महिला के साथ दोस्ती भी हो गई थी। यहां उसे ये भी पता लग गया था कि वसीम की जींद निवासी एक महिला अध्यापिका के साथ भी दोस्ती है। अध्यापिका ने वसीम को हाल ही में करीब 7.5 लाख रुपए दिए हैं, जिन रुपयों पर दिलशाद की नजर थी। वो वसीम को काम के बहाने किराना ले गया, वहां निर्माणाधीन मकान में उसे बैठा लिया, और मौका पाते ही दिलशाद ने वसीम की हत्या कर दी। उसके बाद वो बेड के गद्दों का चैन वाला कवर लेकर आया और उसने शव को इस कवर में डाल दिया, चैन छाती तक बंद कर दी और शव का मुंह खुला छोड़ दिया, और उसके बाद उसने मकान में खुदवाए गड्ढे में उसे दफ
दफना दिया था, लेकिन अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अपना ये वसीम जो अपना मेरा पड़ोसी था और लड़का अच्छा था, हाफिज भी था, ये तो ये 31 तारीख में गायब हो गया और घर वालों को शक पड़ा कि भाई लड़का गायब है, तो उसे कंप्लेंट की चौकी में गुमशुदी की, तो वो साथ में जो है दिलसाद सूफी दिलसाद, तो वो क्योंकि इसके साथ में रहता था तो उसको ये एज ए फादर मानता था, तो उस पर शक भी नहीं जा रहा था कोई, एज ए फादर मानता था कि वो फादर इनकी एक्सपायर हो चुकी थी, तो वो बुजुर्ग था तो उस एज ए फादर उसको करते थे, लेकिन उस पर शक नहीं था कुछ भी। हम लोगों को पड़ोसियों को इस बात पे था कि भाई ये हो सकता है कि साथ रहता है, कोई ना कोई लेन देन का मामला आ रहा है मैसेज पे, तो कोई ना कोई लेन देन का मामला इसको जरूर पता होगा कि किससे लेन देन है, तो हमने इंचार्ज से वगैरह से कह के भाई इसको थोड़ा इंट्रोगेट करो, इससे पूछो तो हो सकता है निकल जाए। इंचार्ज ने उसी के अकॉर्डिंग काम किया, इससे थोड़ा सा सीआई स्टाफ में लेकर जाकर पूछा, उसने कबूल किया कि भाई ये मैटर मैंने किया है और हाँ कच्ची से इस पर बार किए और दो तीन लोग इसके साथ हैं, इसको बुला लिया ना साथ में किराने में एक वसीम को बुला लिया। हाँ वसीम को साथ में बुला लिया, बुला के ले गया यहाँ से, और क्योंकि वहाँ पे रूम ले रखा था उसने, खुद वहाँ पे रहता था ये जो अपना दिलसाद सूफी रहता था, तो ये फिर वहाँ हत्या करके दफन करके आ गया। फिर इसकी तो हिम्मत देखो आकर, और उसको फ्रूट वगैरह भी लिए इसने, अच्छा, और कुछ सब्जी वगैरह लेकर आया घर पे, इनके घर पर आया जिससे शक ना हो, अच्छा, इनके घर पे मर्डर करने के बाद शक ना हो, और फिर साथ में कितने साल का है वो? उसकी लगभग 60 साल की उम्र, नहीं 70, शक कैसे हुआ जी मेरा 60-65 साल की उम्र कैसे हुआ? उसमें क्या क्या इसमें मैसेज जो आ रहा था, इसमें ऐसा था कि भाई किसी ने मैसेज डाला कि जिंद का अपने को बता रहा है, वो कहता है कि इसने 7,35,000 रुपये हमसे लिए और हमारी लड़की के साथ में इसने गलत काम किया और इसको हमने मार दिया, इसने भाषा लैंग्वेज बन रही थी तो हरियाणवी लिख रहा था, तो इनकम्प्लीट हरियाणवी थी वो, तो इसमें मिक्स थी यूपी की, तो इंचार्ज से मैं बोला कि ये मैसेज में मिसगाइड कर रहा है, जिन तक तफ्तीश ले जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, यूपी का ही मामला है। अच्छा जिस नंबर से आया वो किसका नंबर था? उसी वसीम का, वसीम वाले का। तो फोन क्या मिला फिर वसीम का? फोन तोड़ दिया, तोड़ दिया जी, उन्होंने मैसेज करके तोड़ दिया, तोड़ दिया फोन के कुछ टुकड़े मिले शिवागढ़ी से और अपरे से मिले। ये जो जिसका नाम लगा रहे हो आप, ये मतलब साथ में तलाश करवा रहा था उसके? हाँ साथ में तलाश करवा रहा था जिससे शक ना हो, और बराबर फिर टाइम लेके हमने एक दिन बिठवाया, तो टाइम लेकर वहां चला गया कि मेरे घर में बीमारी है, इस तरह काला पीलिया हो रहा है मेरे उसके बच्चे को। वो पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।